इस गांव का जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूं, एक अपराधी इसराइल जिसके बाप का नाम यूसुफ है। मेरा इसराइल है, मैंने तीन लोगों के साथ बलात्कार किया और बहुत ज्यादा देर गए थे और हमारे घर पे विरोधन किया था, इसलिए अपने परिवार के साथ यहाँ पे पत्थर। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बुलडोजर का खौफ इस कदर अपराधी के दिल दिमाग पर बैठ गया कि परिवार के साथ सरेंडर करने के लिए खुद थाने पहुंच गया। इस आरोपी का नाम है इसराइल और इसका गुनाह है बलात्कार। इसराइल पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में गोंडा पुलिस ने राजा और रिजवान नाम के दो आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गोली मारकर पकड़ लिया था, मगर इसराइल फरार चल रहा था। बस फिर क्या था, गोंडा पुलिस बाबा का बुलडोजर लेकर इसराइल के घर पे पहुंच गई। आसिम सुन ले, इस गांव का जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूं, एक अपराधी इसराइल जिसके बाप का नाम यूसुफ है, यह समाज विरोधी घृणित कार्य किया है जिसके विरोध अभियोग पंजीकृत है। यह अपने अपराध के बचने के लिए यहाँ से फरार चल रहा है। इस प्रकार के खूंखार अपराधी को अभियुक्त को जो कोई भी व्यक्ति संरक्षण देगा सह देगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाबा के बुलडोजर और पुलिस के गोली का खौफ इस कदर इसराइल के दिल दिमाग पर बैठ गया कि परिवार के साथ खुद चलकर ये थाने पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। पहले दिखाते हैं इसराइल किस तरह से पुलिस की गोली और बाबा के बुलडोजर से खौफ खाया हुआ है और ये इस दौरान क्या कह रहा है। उसके बाद आपको सुनाते हैं कि गोंडा एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने भी क्या बताया है। के साथ बलात्कार किया, उसमें दो लोग को गोली लग गई, गोली से हमें बहुत ज़्यादा डर लगी थी और हमारे घर पे बुलडोजर भी पहुंचा दिया गया और इसी की वजह से हम अपने घर वालों को अपने परिवार के साथ में यहाँ पे हम हाजिर हो गए। साहब मुझे गोली मत मारो, हम बहुत डर चुके हैं और साहब गोंडा की पुलिस से बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, हमारे घर पर बुलडोजर भी पहुँचा दिया गया था, इसलिए हम अपने परिवार के साथ में अपना यहाँ पे वो कर रहे हैं। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर में आज एक 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश जो कि दुष्कर्म की घटना में वांछित था उसने आत्मसमर्पण किया है। इजराइल पुत्र यूसुफ, इसने दुष्कर्म की घटना कारित की थी। इसके अन्य दो साथी राजा और रिजवान, ये दोनों 25,000 के इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 दिन पूर्व एक महिला अपनी बेटी के साथ जनसुनवाई में आई थी और ये बताया था कि उसकी बच्ची के साथ में जो कि दलित समाज की थी उसके साथ दुष्कर्म की सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें अन्य धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखवाते हुए टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर इसका एक अभियुक्त राजा पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़ा गया था। कल शाम को और देर रात्रि में एक और अभियुक्त इसका रिजवान, वो भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो चुका है। और आज जो एक इसका अन्य जो अभियुक्त था इसराइल, उसने आत्मसमर्पण किया है। कल ही हमारी पुलिस की टीम बुलडोजर लेके अपराधियों के घर में जो बचे हुए अपराधी थे उनके घरों पर पहुंची थी और ये चेताया था कि जो भी इनको मदद करेगा या पनाह देगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी टीम। तो आज ये अपने पूरे परिवार के साथ में आके इसने आत्मसमर्पण किया है। एक इसका अन्य जो वांछित है उसके लिए भी पुलिस टीम लगातार निकली हुई है और ये चारों जो अभियुक्त है इन सबको सजा दिलाने के लिए भी हमारी टीम कटिबद्ध है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन सामूहिक दुष्कर्म के जो बदमाश है इनके खिलाफ कम समय में ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का भी प्रयास हमारा रहेगा।